कचुक में हले यानी शक्तिमान का। हाँ जी, तो आज हम आए हैं जनाबेली सी लाइफ देखने मेलबर्न में। जनाबेली फ्लिंडर स्ट्रीट पे है, यारा रिवर के पास। हमारे पीछे है कछुक में मगरमच्छ नहीं, कछुए, टर्टल। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन, दिस इज हुसैन। तो सलामती हो सबकी। आज हम जनाब ट्यूसडे है, अगेन ट्यूसडे को हम जनाबे जा रहे हैं घूमने फिरने, छुट्टी वाला लंगूर। मैं भी छुट्टी कर रहा हूँ आज। तो जनाबे लिए सी लाइफ देखने जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें, सबको आपको दिखाएंगे, वीडियो अंत तक देखें। $15 पार्किंग नहीं पैनी, एक ही चक्कर है। सिटी है भाई, सिटी। और चेक करने पे सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ जी सलमान साहब जी, इंजॉय हो रहा है? बिल्कुल इंजॉय हो रहा है। इंजॉय क्यों हो रहा है? हम आज जॉब नहीं कर रहे हैं, आज जॉब नहीं कर रहे तो इंजॉय हो रहा है। जॉब और इंजॉय दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, नहीं चल सकते बिल्कुल। इंजॉय करना है तो जॉब छोड़नी पड़नी है, अगर जॉब करना है तो इंजॉय छोड़ना पड़ना है। डिसीजन इज योर्स। बिल्कुल। तो भाई जी, हम हमेशा कहते हैं कि जनाब अली बिजनेस में इन्वेस्ट करें, तो उससे पहले डेफिनेटली आपको अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ना है, बल्कि आपको सीखना पड़ना है। आज मैं आपको बता दूंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ। पहले नंबर पे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। डेफिनेटली जब आप अपने आप को एजुकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करनी है, किस में नहीं करनी, किस इंडेक्स में नहीं, कब करनी है, कैसे करनी। इसलिए हम कहते हैं सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन। उसके बाद जनाब अली आपके पास है रियल एस्टेट, ठीक हो गया। रियल एस्टेट आपको ये बात बता दें कि रियल एस्टेट $100 से भी स्टार्ट हो सकती है, $100 से भी रियल एस्टेट स्टार्ट हो सकती है। जरूरी ये नहीं है कि आपने रियल एस्टेट को खरीदना है और बेचना है, आप उसमें एज अ ब्रोकर भी काम कर सकते हो। किसी से रियल एस्टेट लेके और उसको बोल दो कि भाई तुम्हारी कितनी की, $1,00,000 की, तो मैं तुम्हारी $1,00,000 की बिकवा दूंगा। उससे वो रियल एस्टेट के पेपर लेके आगे तुमने $1,20,000 की बेच के $20,000 बीच में से निकाल लेना। अब समझ आई, ब्रोकर का भी काम कर सकते हैं आप। $100 से भी रियल एस्टेट स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा है छोटे मोटे बिजनेस हो गया, जैसे मैंने वीडियोज बनाई है, प्ले लिस्ट मेरी मौजूद है, आके देखेंगे, जाके देख लो। जनाबेली कार रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं आप, घर में जनाबेली फूड पांडा जैसे पाकिस्तान में होता है, यहाँ पे डोरडैश और उबर इट सब घर में स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छी डिश बनाने की स्किल है, स्पेशली औरतों के लिए। या मैंने स्विंग का भी बताया, मुख्तलिफ बिजनेस है यार, आप पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट कर लें, 3-4 दोस्त मिल के पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट कर लें। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, छोड़ दें, ये क्या माइक लगा हुआ, अल्लाह खैर करेगा जी। 3-4 दोस्त मिल के पेट्रोल पंप में इन्वेस्ट कर लें, या 3-4 दोस्त मिल के किसी कबाब शो में होगा होटल डाल लें, या वट एवर योर स्किल इज, आप मतलब वेयर हाउस डाल सकते हैं, या कोई अगर ऑटोमोबाइल का काम करते तो वो वर्कशॉप डाल सकता है। सो इट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस यू विल बी एंजॉयिंग, इफ यू आर डूइंग जॉब यू वॉन्ट बी एबल टू जॉय, दैट्स वॉट इट इज। Thank you.
इसको ढूंढना है भाई, यही मिशन है। ये केला है जनाब अली, मेलबर्न एक्वेरियम पूरी दुनिया में जो जो ड्रैगन फिश की ब्रीडिंग कर रहा है, देखो ऑस्ट्रेलिया पे भी। लो जी इतने फेमिनिज्म ठीक है क्योंकि जनाब अली मदर जी ना एग्स देंगे है ना, तो यह जनाब अली एक ही कर रहा है, उन्हें अपनी पाउच रख के बाद चलो बच्चे छड़ देना। एक्चुअल च 9 मंथ का जो पीरियड है ना, मतलब वो तमसीलन औरतों वा, लेकिन इन्होंने वाला जो पीरियड है वो बेचारे बाप को अपने पेट में रखने पड़ने वाले। खुश जीवन different sizes in a bag on the emperor or king or gentle or rotor for in the top ठीक है सुन सुन जी होके आ गए सी लाइफ देख के, क्या घटिया सी लाइफ थी ना ही आया करें हम तो हैं भाई पहाड़ बोर्ड चढ़ने वाले बंदे, ये गलत बात है, ये नहीं सही, मजा नहीं आया, नहीं नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, सी यू।